ये क्या है इसके नीचे, ऐसे कैसे प्लेट है ये काली जैसी, ये क्या है नैना? तुम इतने दिनों से बोली थी ना फोन चाहिए फोन चाहिए। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी बर्थडे विशेज, योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर लव। और फिलहाल हम दिन की शुरुआत करेंगे मंदिर जाने से, तो अभी मैं मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। तो जैसे रजत के बर्थडे पे हम मंदिर गए थे, अभी भी मंदिर जाएगा, मेरे साथ के लिए आए हैं मेरी माता श्री। वैसे तो आज मेरी बेटी और आपकी प्यारी ज्योतिका का जन्मदिन है, तो आज इसके लिए मतलब पार्टी बनती थी, लेकिन नहीं, ये आज अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रही है, मम्मी को नया जीवन दान के लिए। इतना इमोशनल नहीं होती एक्चुअली, मम्मी को एक इंजेक्शन लगता है, तो उस इंजेक्शन की डेट आज ही है, और उस इंजेक्शन के लिए हम आपको पंचकुला साइड जाना होता है। तो शिमला से हम अभी पंचकुला जा रहे हैं, तो हमें तो वैसे ही मजे लग गए, पंचकुला जाके वहाँ पार्टी कर लेंगे, शिमला में क्या पार्टी होनी थी। चलो अभी चलते हैं फिलहाल। हाँ जी चलो। अच्छा बाय द वे मेरा सूट देख लीजिए, ये किसी ने गिफ्ट किया, ये मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट है। मम्मी खुद ही बोल रहे हैं, जो कि मम्मी ने गिफ्ट किया है। विजय भव। विजय भव इतना लंबा उस पे जा, विजय भव। चलो मेरे को लगता है ये रणभूमि पे जाने वाले हैं दोनों। यार मेरी मम्मी ना मुझसे बहुत ज्यादा लड़ती रहती है, इसलिए मुझे कहती तेरे सिर पे बहुत सारा मैं चंदन का टीका लगाऊंगी, थोड़ी शांत हो जाएगी, इसलिए इतना सारा टीका लगा दिया मुझे। मम्मी लड़ती है कि तू लड़ती है? मम्मी लड़ती है, मम्मी लड़ती है। फिर मैंने मम्मी को बताया था, देखो 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 आप खुद सोच सकते हैं कि मम्मी लड़ती होगी कि ये लड़ती होगी, इतनी शरीफ लड़ती है। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप मुझसे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, इसलिए हम मंदिर में भी लड़ना शुरू हो गए। मम्मी कहती नहीं तू लड़ती, मैं कहती आप लड़ते हो, हम एक दूसरे के माथे पे टीके लगा रहे हैं चंदन के, शांत हो जाए। उसके बाद भी शुरू है। बर्थडे गर्ल क्या कर रही है? पर्ची बना रहे हैं पार्टी के लिए। कितनी लिस्ट है हमारी पार्टी की, पर्ची बन रही है। अच्छा चलो मम्मी आप और रजत जाओ, हमें डरना नहीं, आपने इसके बाद केक खिलाएंगे आप। चिज्जी मिलेगी खाना? चिज्जी चिज्जी मिलेगी। मेरी मम्मी डरती है इंजेक्शन। सच में? तो वॉशरूम क्यों कर पहले? हाँ डर इंजेक्शन से डरने लगी तो मेरी बेटी खतरों के खिलाड़ी कैसे खेलेगी? और क्या, एक ये है छिपकली से भी डरती है जो। कैसी रहेगी? बहुत ही बढ़िया। तुम तो ऐसा लग रहा है ऑपरेशन थिएटर से। यार मैंने ना अभी वॉशरूम बोल के गाड़ी रोकी है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और नैना को आइडिया नहीं है कि मैं उसके लिए फ़ोन ले रहा हूँ। उसको काफ़ी दिनों से फ़ोन अपग्रेड करना था, तो मैंने सोचा चलो बर्थडे से अच्छा क्या मौका होगा। मैंने और आंटी ने मिलके थोड़ा बहुत यहाँ चंडीगढ़ में प्लान किया है। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं, उसको इतना पता है कि हम चंडीगढ़ ही रुकेंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे, बट उसको ये नहीं पता कि हमने थोड़ा बहुत शाम को थोड़ा मस्ती करने का सोचा है। जितना वो करती है उतना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्लान करती है, और इस बार उसने जो बर्थडे मेरे लिए सरप्राइज रखा था ना, उतना तो मैं कर ही नहीं सकता। बट स्टिल मैंने कोशिश किया कि उसको, कुछ टाइम से वो चाह रही थी कि फ़ोन अपग्रेड करना है, फ़ोन अपग्रेड करना है, नया फ़ोन लेना है, तो मैंने फ़ोन अरेंज करवाया है। फ़ोन मेरे पास आ गया है अभी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि बहुत टाइम से चाह रही थी। चलो अभी देखते हैं, होटल में जाके देखूंगा, अभी छुपा देता हूँ। ये आंटी की वो है, ये सारी, ये आंटी ने मेरे को 100 फोन कर दिए थे कि ऐसा कर। अच्छा मुझे तो सुबह मैं मदहोश था, मुझे सिर्फ या आंटी ने फोन किया सुबह कि उनको टाइम से बोल देना, ऐसा भी करवाना है वैसा भी करवाना है। कैसा लगा? देखा ये देखा, दो डक ऐसे बढ़िया बनवाए थे। डोडक ये तो यार तूने बनाया? डोडक ये तो मम्मी हनीमून वालों के होते हैं, ये कंफ्यूज हो गए, ये खत्म कर दिया मम्मी ने।
देखो मुझे सरप्राइज का तो पता नहीं था, अब जब पता चल ही गया है ना तो मुझे अच्छे से तैयार होने दो, दो मिनट दे दो, आप तो एक सेकंड दो, एक सेकंड में मैं आपके आगे तैयार होकर फिर से आ जाऊंगी और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। लेट मी गेट फ्रेश, आफ्टर ऑल इट्स माय बर्थडे। जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी आओ। यार डल स्किन ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम में से काफी लोग फेस करते हैं, बट इंडियन मार्केट में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो इंस्टेंटली हमारी स्किन को ब्राइटन अप करे। सो एक्वालॉजिका ब्रिंग्स टू यू ग्लो जूसी ड्यू ड्रॉप्स दैट ब्रिंग्स योर स्किन इंस्टेंट स्किन ग्लो, सो नाउ यू कैन ग्लो अप विदाउट मेकअप। इस रेंज में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्लो ड्यू ड्रॉप्स एंड जेल मॉइस्चराइजर। दीज प्रोडक्ट्स आर वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड क्लीन। सो अभी हम लेंगे एक्वालॉजिकास हाफ फेस चैलेंज, मतलब मैं आधे फेस पे प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी और देखते हैं इंस्टेंट ग्लो आता है या नहीं। एक्वालॉजिका कम्स विद अ ब्लेंड ऑफ पपाया एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड। सो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरफ इंस्टेंट ग्लो आ चुका है। अब चैलेंज तो कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे पूरे फेस में लगा लेती हूँ वरना लोग सोचेंगे आधे फेस से तो बड़ा चमक रही है। इसमें यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, ये आपकी स्किन को एक ग्लॉसी फिनिश देता है। दीज प्रोडक्ट्स आर क्लीन, मतलब इसमें पैराबेन, सल्फेट्स या मिनरलॉइड कुछ भी नहीं है। और गाइज अगर आपको भी ये प्रोडक्ट लेना है तो आप इसे अमेजोन या नाइका से ले सकते हैं या फिर aqualogica.in से भी ले सकते हैं। एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज jyotika20 तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। एक्वालॉजिका का फ्रेश वाटर फॉर ऑल के बारे में भी आपको बताती हूँ। एक्वालॉजिका सिर्फ हमारी स्किन के खोए हुए लॉस्ट हाइड्रेशन को वापस नहीं लाता, इनफैक्ट जो हमारी कम्युनिटीज को जिनको पानी की जरूरत है उन्हें भी हेल्प करता है। जब भी आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप हेल्प करते हैं किसी जरूरतमंद को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पाने में। मैं नीचे कंप्लेंट करूंगा। नहीं ना यार, देखो सारे लग गया है। चलो हैप्पी बर्थडे डियर नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे प्लेट में डालो, उधर प्लेट से नैना, ऐसे नहीं। नहीं नहीं मैं प्लेट में ही खाऊंगा, ऐसे कौन करता है यार, प्लेट में खिलाओ। ये क्या है नैना, ये क्या है? कैसी लगी ये प्लेट? क्या है ये? अब समझ आया मुझे वॉशरूम क्यों आया था रास्ते में। ओह माय गॉड, जो मुझे नया फोन सेट करने दो। ओह माय गॉड, तुम इतने दिनों से बोली थी ना फोन चाहिए फोन चाहिए। थैंक यू। अब मुझे केक खिलाओ, सच में डाल दो। हाँ केक तो मैं भी खा ही लूंगा ना, थोड़ा सा तो बनता ही है। अरे बाहर आ गई ना और से पानी भी खा गया मेरे साथ में। कैसा है? माय गॉड। चलो खा लेते हैं। देखो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, गिफ्ट बन गया है बट ला ही नहीं पाए क्योंकि जल्दी थी, क्योंकि मैं अकेली थी। ऊपर से इनको लेट हो रही थी और बारिश इतनी लगी थी कल, बेचारे भीगते भीगते पहुंच गए। बट फोटो है, दिखाओ दिखाओ गिफ्ट। इमेजिन कर लो मेरे कानों में कैसा। वाह ये क्या है, ये क्या बोलते इसे? हमारे ट्रेडिशनल गोखरू कान में पहनते ये। तो ये क्या है कि मतलब देखो ये क्या, जब रूबी का बर्थडे था रूबी को दिए गए थे, फिर रोजी का था रोजी को दिए गए, अब इसका बर्थडे तो इसके लिए भी बनवाए गए थे। और मैं कल रास्ते में उतर नहीं सकी ज्वेलर के, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। नहीं तो आज आपको नैना गोखरू पहन के दिखती। हाँ। बट जब नेक्स्ट टाइम इसके पास आ जाएंगे हाथ में तो हम नैना पूरा ट्रेडिशनल लुक में दिखाइयो। बोल रही थी मुझे मतलब इतने बड़े, मुझे इतने बड़े मतलब आई डोंट नो मैं कभी पहनूंगी भी या नहीं। तो देखो भाई मम्मी पापा ने तो जैसे सब बच्चों को दिए बराबर के तरह थे, अब छोटे बड़े तुमने अपने हिसाब से करना कार्ड की इसको छोटे बड़े चेंज करती हूं। शाम को कहाँ जा रही हो तुम? कहीं जा रहे, डिनर तो कर रही, तो रेडी तो होना है। चलो वो देख रूबी दी, दिखी मुझे ये क्या कर रही है आंटी, इसमें भूत आ गया। परे पता नहीं क्या बंद कर दिया, क्या नहीं हो रहा है बंद क्या? छोटे बच्चों की तरह ये बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है मम्मी। आ रही हूँ बेटा।
आंटी को इस टाइम पता क्या हो रहा है कि बिस्तर पे बैठ के खतरों के खिलाड़ी देखना है। ये तो सिर रह गए सिर्फ खत्म हो गया दीदी। अब तुम ये कौन सा? अच्छा अब ये दोबारा से चल बोल रहा पिछले वाला। कितनी बार देखते हो आप दिन में? सच बताओ मुझे, कितने बार रिपीट पे देख लिया ये बताओ। सच बताओ, दो तीन बार तो दिन में देख ही लेते हो। ठीक है, वेरी नाइस। तो अपने साथ मैचिंग लाई शिवानी। तुम कुत्ती हो? आज कोई डाइटिंग नहीं होगी नैना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑडियंस ही बोलेगी। नहीं 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 ना, इनको कितने बड़े बड़े खिलाड़ी। होगा पूरा एक लॉन्ग ड्राइव के साथ, वो भी बारिश में। ये यंग वाइल्ड एंड वेरी वाइल्ड, वेरी वाइल्ड। और बना ले मुंह। अच्छा हेयर दादा, स्पॉट दादा है ना। सुशी मेरा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है और सबको बहुत पसंद आया। और तुम्हारे फेवरेट गाने? वो ही बाय चांस लगे लगवाएंगे। गुड़िया भी है, बड़े दिनों बाद आई है देखो। और गुड़िया गुड़िया चॉपस्टिक से खाकर दिखाएगी। क्या दीदी कितने साल की होगी? अरे सुबह अप्पू मैंने इसको कॉल करके बोला होगी 50 साल की। गुड़िया खाकर दिखाओ। यही प्रैक्टिस तो नहीं करती तो चंडीगढ़ में, अबे भूल गई है छोटे शहर वालों को तो। अच्छा ओए इसमें नॉन वेज था ये? नहीं 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 हमारा सारा ऑर्डर वेज है। ओ माय गॉड यार, ये नैना जो बर्थडे गर्ल है ना उसका, उसको पीना पड़ता है। ये देखो बर्थडे गर्ल को ऐसे मारेंगे हम, अब गुस्से तो मार नहीं पाए। देखिए गौर से। ये है बर्थडे गर्ल, असली चेहरा नजदीक से। वेरी गुड, ये आंटी को भी तक ये खतरा है कहीं हमने इनको शराब तो नहीं पिला दी है। मम्मी आपको धक्के लग रहे? वो वही था, वही था, वही था, आपको धक्के लगे? मॉकटेल में कोई शराब नहीं होती, हमको इतना पता है यार। आंटी को ऐसा गलत नहीं करेंगे हम कभी। कैसा रहा बर्थडे? मिल गई। ये अपनी खूबसूरती नहीं दिखाना चाह रही है वैसे ही। ये अब बिल्कुल चंडीगढ़ वाली बन गई। हाँ, सोच के शिमला वालों को तो पता ही नहीं है।
पार्किंग ही गुम हो गई थी, पसीने छूट गए, गाड़ी ढूंढते ले लिया है। देखो असलियत ये है। नहीं ये व्लॉग हमें यही एंड करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट तब तक आपको पता नहीं क्या करना है। मम्मी बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है। बेचारा मेरा मम्मी जीतने वाला था। मैंने सोचा यार जब इन्होंने एक ये मुझे एक स्टेप आ गया, मैंने सोचा दो तीन स्टेप एक ही बारी में ले लेता।